बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, अब हम पदार्थों के बारे में स्टडी करते हैं। प्रकृति के जो तत्व है उनको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस की कैटेगरी में। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में गैसेज और द्रव का लेना देना नहीं है, हमें फिर ठोस से काम पड़ेगा। तो हम ठोस पदार्थों के बारे में स्टडी करेंगे। ठोस पदार्थों को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। ठीक है, चालक पदार्थ ये होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चालन में वो सहायता करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चालन हेतु फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं ऐसे पदार्थ आपको कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिन पदार्थों में चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं वो आपके कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन वो अचालक पदार्थ। लेकिन अगर हम उनमें क्या खास बात होती है कि थोड़ी सी अगर ऊर्जा देते हैं तो वो हमें चालन के लिए इलेक्ट्रॉन अवलंबित हो जाते हैं और वो पदार्थ चालन में सहायता करते हैं। ठीक है, कुचालक पदार्थ की बात करें तो इनमें किसी भी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, पहले भी नहीं होते और गर्म करने के बाद नहीं होते। ज्यादा गर्म करेंगे तो पदार्थ जल जाएंगे, तो ऐसे पदार्थ आपको कुचालक कहलाते हैं जिनमें किसी भी तरीके से हम चालन नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, चालक पदार्थ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे पदार्थ क्या है? चालक पदार्थ की कैटेगरी में। कुछ अचालक की अगर बात करें तो इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये पदार्थ अचालक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर सुचालकों की बात करें तो इसमें आप जिन प्रकृति के कार्बन आप देख सकते हैं, अभ्रक या माइका, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, इसमें एक शीट लगी होती है, वो माइका की शीट है ना। ये जो पदार्थ है सारे पदार्थ बिल्कुल किसी भी प्रकार से हमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अब देखिए, हम जो यहाँ पर कर रहे हैं कि इसमें प्रोसेस जो है सारा क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन हम इसको करते हुए देखेंगे और हम जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग हम सीख सकते हैं। भाई अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्या है, दो ही ऑप्शन क्रिएट होते हैं, या तो आप पास जाते हो या फेल जाते हो। पास हो गए तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो उसमें ऑप्शन आपका तुरंत मन करता है कि क्यों गलती करेंगे, उस गलती को सुधार के जाता है, सुधार करते फिर पास होते हैं। तो वास्तव में एक्सपीरियंस जो गेन हो रहा है वो आपको बाय फेलियर हो रहा है, और फेलियर करके ही आप अपने को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्लासेस जितनी है कोशिश करें कि लेबोरेटरी के साथ साथ लेकर के चलें। ठीक है, कंटिन्यू करें तो किसी परमाणु के बाहर सबसे बाहर कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी उनका यूनिट कहलाता है। ठीक है, सामान्यतया चालक पदार्थ जो होते हैं वो ग्रुप 1 2 3 में पाए जाते हैं। ठीक है, जो चालक पदार्थ चालकों का मतलब जो गुण होता है पदार्थ का, चालकता का गुण, वो किन पदार्थों में पाया जाता है? ग्रुप 1 2 3 के एलिमेंट्स में। अचालक पदार्थ जो है वो 4 के एलिमेंट्स होते हैं और कुछ चालक पदार्थ जो है 5 6 7 8 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके अगर पदार्थ की बात करें, हम ग्रुप 3 4 और 5 पर फोकस करेंगे, ग्रुप 3 4 और 5 पर फोकस करेंगे, क्योंकि ग्रुप 4 से तो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनते हैं जिनसे हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के रिएक्टर बनाएंगे, और उनमें चालकता का गुण पैदा करने के लिए ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के एलिमेंट की आवश्यकता, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उन पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बोरोन, लिथियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हमारा मेन कंसर्न रहेगा, हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पर फोकस करेंगे, और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रुप 3 4 5 के कौन कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 3 के भिन्न अलग बोरोन, लिथियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, और ग्रुप 5 के एलिमेंट फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, आइए बात करते हैं कि परमाणु की स्ट्रक्चर क्या है, इस पर जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नाभिक आकर्षण बहुत कम होता है।
तो परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ईथर प्रदान करते हैं, प्रोटॉन को ईथर और न्यूट्रॉन को ग्रेफाइट से प्रदान करते हैं। तो नाभिक के अंदर किसी एटम की नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो बाहर कक्षा में उनके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाहर कक्षा बेसिकली ऊर्जा की कक्षाएं हैं, इन ऊर्जा लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऊर्जा लेवल्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं कहते हैं, और उन एनर्जी बैंड्स से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ग्रुप 3 के एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप 4 के एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप 5 के एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो एटम हमने ले लिया है, एल्यूमिनियम के एटम हम लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3। अगर इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन देखते हैं 2-8-13 होता है इसका। नाभिक में इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर कक्षा में उसका 3 कक्षाएं बनी हुई थी। सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आगे वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 और 8, और सबसे बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के स्ट्रक्चर हो गया। और ये फास्फोरस है, इसमें अंदर वाली कक्षा टोटल परमाणु क्रमांक इसका 15, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 15 है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नंबर 2, 8 और 5। ठीक है, अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, किन परमाणुओं का हम यूज कर रहे हैं, 3, 4 और 5 के नंबर से उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को जान लेंगे। यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा नाम क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेपर बुक में आपने लिखा होगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की और उस सॉलिड के इलेक्ट्रॉन्स की ही बात हो रही है। ठीक है, और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करने के, कार्य करने के लिए। कंडक्टर्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर से थोड़ा सा गर्म करके अवेलेबल होते हैं, और इंसुलेटर से तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब अर्धचालकों पर फोकस करते हैं। अर्धचालक पदार्थ दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ग्रुप 4 के एलिमेंट बेसिकली अर्धचालक होते हैं, जो शुद्ध अवस्था में होते हैं अर्धचालक वो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और शुद्धता कैसे, पूर्ण शुद्ध, जैसे कि पूर्ण शुद्ध सिलिकॉन पदार्थ वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। इसी प्रकार से पूर्ण शुद्ध जर्मेनियम पदार्थ है तो वो भी आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो अर्धचालक है इनमें अगर आप ताप बढ़ाते हैं, इसी प्रकार की ऊर्जा देते हैं, तो इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत छूटते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ते हैं और चालन में सहायता करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो गया इनका, और ये तो ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से, और वो बाहरी अपनी कक्षा नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि चालन में चालन संभव नहीं हो पाता है। तो इन पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करें, समस्या यह है तीन पदार्थों की ग्रुप 4 के एलिमेंट जो है शुद्ध अवस्था में उनकी चालकता कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए हमने कुछ इम्प्योरिटीज मिलाने की सोची। अब हम देख रहे हैं कि इम्प्योरिटी मिलाने से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम शुद्ध अर्धचालकों में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाए, क्या पर्पज है, चालकता बढ़ाने के लिए, तो चालकता बढ़ाने के लिए अगर उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो वो पदार्थ जो मिलते हैं तो आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और अशुद्धि रूप में हम क्या मिलाएंगे, ग्रुप 3 के एलिमेंट या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, कहां मिलाएंगे, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में मिलाएंगे। ठीक है, तो अशुद्धि रूप में जब हम ग्रुप 3 के एलिमेंट या ग्रुप 5 के एलिमेंट, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स, शुद्ध ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के साथ मिलाया जाता है तो आपको जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। थैंक यू। ये अशुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं, जब अशुद्ध अर्धचालक में ग्रुप 4 के एलिमेंट में जर्मेनियम सिलिकॉन को सभी एलिमेंट आप ले लीजिए, उसमें हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब हम अशुद्धि दो टाइप में मिला सकते हैं, या तो ग्रुप 3 के एलिमेंट की या ग्रुप 5 के एलिमेंट की। ठीक है,
पहले पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी का एलिमेंट मिलाया तो आपको पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक मिलेगा, एक्सिमिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। और आपने ग्रुप 4 के एलिमेंट में ग्रुप 5 के एलिमेंट में ऐड किया तो एन टाइप का अशुद्ध अर्धचालक मिलेगा। ठीक है, अब जब हम उनको ऐड करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, वो हमने यहाँ दिखा रखे हैं। उससे पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर शुद्ध सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है वो कैसा होता है। वास्तव में सिलिकॉन ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिली एटम दिखा रखे हैं। ठीक है, और इधर भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन बनाए गए हैं, इस पर बॉन्ड बना रखा है, बॉन्ड दिखा रखे हैं। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी प्रकार से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं, यहाँ भी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर के छोटे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रखे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरीके से सहसंयोजक बंध बना करके जुड़े हुए होते हैं। यहाँ के ये इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बंध, इधर से सिलिकॉन आपस में सहसंयोजक बंध, इधर से सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के आपस में सहसंयोजक बंध बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बॉन्डिंग होती है, किस तरह से सिलिकॉन की बनी होती है। अब जब आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी को ग्रुप 3 का या ग्रुप 5 का एलिमेंट आप मिला रहे हैं ताकि उनकी कैरेक्टर बढ़ जाए, तो पहले देखते हैं ग्रुप 3 का एलिमेंट अगर आपको मिलाए तो क्या होगा। ग्रुप 3 में फॉर एग्जाम्पल आप एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एल्यूमिनियम के, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बीच वाला सिलिकॉन जो है अगर इसको रिप्लेस करके एल्यूमिनियम आता है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3 इलेक्ट्रॉन शो हो रखे हैं और ये खाली जगह यहाँ पर छूट जाता है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स या सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये वाला एटम वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड कर लेंगे, एल्यूमिनियम के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ रह जाता है खाली स्थान, इस खाली स्थान को स्पेस कौन कह रहे थे, होल। ठीक है, वास्तव में यह खाली स्थान है, तो ये जो सिलिकॉन है इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री रह गया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर सकता है इस जगह पर। ठीक है, तो इसको मूवमेंट की जगह मिल जाती है और मूवमेंट की जगह मिल गई, इसको इलेक्ट्रॉन चालन में चालन करने में थोड़ा सा स्वतंत्रता आ गई है। तो जो शुद्ध अर्धचालक बंधा हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, वहां पर अब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए इनमें चालकता का गुण पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने ज्यादा इम्पोर्टेंट आप मिलाते चले जाएंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट की, उतने ही नंबर ऑफ होल्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका स्ट्रक्चर कहलाता है पी टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट अगर आप मिलाते तो क्या होगा। ग्रुप 5 में हमने एग्जांपल लिया फास्फोरस का, फास्फोरस मान लीजिए आप इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 5 इलेक्ट्रॉन है और ये इस बीच वाले सिलिकॉन को क्रिस्टल से हटाता है और यहाँ पर फास्फोरस आ जाता है, तो क्या होगा इम्प्योरिटी मिलाने पर, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में सिलिकॉन के साथ इधर 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 की बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है खाली रह जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। तो एन टाइप स्ट्रक्चर हमें इस टाइप से प्राप्त हो जाती है। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट में जब ग्रुप 5 के एलिमेंट की अशुद्धि मिलाते हैं हम, तो हमें एन टाइप स्ट्रक्चर बनती है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे जितने ज्यादा आप फास्फोरस मिलाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और क्रिएट होते चले जाएंगे, जिससे इसकी चालकता बढ़ती चली जाती है। तो एन टाइप में चालकता इस प्रकार से बढ़ जाती है। तो अगर एन टाइप में देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी के लिए कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक संख्या में आ जाते हैं। और अगर पी टाइप में बात करें यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा होती है, तो होल्स आपके मेजोरिटी के लिए कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एन टाइप में होल्स की क्या सिचुएशन होगी, कि माइनॉरिटी में होगी। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, कम संख्या में, और मेजोरिटी का मतलब क्या है, अधिक संख्या में। ठीक है, और यहाँ पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये माइनॉरिटी में होगी। अब ये जो आप अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग। ठीक है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। और जो एलिमेंट आपने अशुद्धि ग्रुप में मिलाया है उसका भी नाम होता है। अगर आप ग्रुप 3 के एलिमेंट को मिला रहे हैं ग्रुप 4 में, तो जो ग्रुप 3 का एलिमेंट है वो खाली जगह पैदा कर रहा है,
जहां पर के इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाली इंप्योरिटी आप मिला रहे हो, इसलिए एल्यूमिनियम को या दूसरे के एलिमेंट जो भी आप शुद्धि में ले रहे हो उसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी नाम लेते हैं। इसी प्रकार से जब ग्रुप 4 के एलिमेंट में आप ग्रुप 5 का एलिमेंट फॉर एग्जांपल फास्फोरस आप मिला रहे हैं, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पैदा कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि चालन में सहायता करता है। तो इसलिए क्योंकि इसने फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया है इस पदार्थ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं दाता अशुद्धि या डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, तो डोपिंग में आप या तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाएंगे या डोनर इंप्योरिटी मिलाएंगे। जब आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट में तो पी टाइप मटेरियल बनता है, जब डोनर इंप्योरिटी मिलाते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट में तो एन टाइप का एलिमेंट मिलाते हैं जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, थैंक यू।